नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सीएम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एग्री किसान चैनल। आज हमारे साथ हैं पादप रोग विज्ञानी जो अवधवीन मणि सर। आज इनसे इनके जरिए जानेंगे हमारे धान में जो सीड ब्लाइट की बीमारी लगती है, जो हमारे धान में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कि किसान भाइयों को ज़्यादा घाटा होता है। तो हम सर से जानेंगे कि ये कैसे लगता है, इसका कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल में, जो आप हमारे किसान भाइयों के लिए इतना समय दिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि ये क्या है, कैसे। प्रिय किसान भाइयों, धान में अनेकों रोग लगते हैं और जिससे धान की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसमें से प्रमुख बैक्टीरियल ब्लाइट है, साकाण झुलसा रोग जिसे कहते हैं, ब्लास्ट ऑफ राइस है जिसे धान का झोंका रोग कहते हैं, फास्ट सिस्मट ऑफ राइस है जिसपे बालियों पर हल्दी के रंग के गांठ बन जाते हैं। इस सत्र में मुझे देखने में आया है कि इस बीमारी से किसान ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी है जिसकी नोटिस जिसको किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, उसका नाम है सीथ ब्लाइट ऑफ राइस। जिन खेतों में पानी लगा रहता है उसमें पानी के सतह के पास धब्बे बनते हैं, जिन जो लंबे होते हैं, तने की लंबाई में बढ़ते हैं, और प्रारंभ में तो ये भूरा रंग का होता है, बाद में इसके बीज का रंग भूसे का रंग होता है और किनारे गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पूंजा के हर पौधे में ये बीमारी लग जाती है, नीचे की पत्तियां टूट के गिरने लगती हैं, जिससे पूरा नीचे का हिस्सा सूखा हुआ नज़र आता है। पत्तियां चूँकि गिर जाती हैं जिससे कि पौधा पूरा भोजन नहीं बना पाता है, धान अपुष्ट रह जाते हैं। इस बात का कभी आकलन नहीं किया गया कि इस बीमारी से कितना नुकसान होता है, किसान नहीं समझ पाते हैं। ये बीमारी एक फफूंद जनित है और इसके रोग कारक रोगी पादप अवशेष, खरपतवार और बीज के साथ पड़े रहते हैं। इनको इसके लिए इनको समाप्त करना आवश्यक है। धान के खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए, रोगी पादप अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए और बोने से पूर्व बीज का शोधन करना चाहिए। बीज का शोधन आइप्रोडियोन बेनोमाइल क्विंटोजीन नामक दवा से करनी चाहिए, ये काफ़ी हद तक रोगकारक को मार डालते हैं। रोपाई के पूर्व खेत में यदि रोगकारक है तो उसको समाप्त करने के लिए थीरम क्विंटोजीन तथा कल्ले निकलने पर एडिफेनफॉस नामक दवा का छिड़काव करें। ये दवा काफ़ी प्रभावी है और बीमारी पर नियंत्रण कर लेता है। इसके अलावा किसान भाई मैंकोजेब, थायोबेनकेव, आइप्रोडियन, कार्बेंडाजिम, इन चारों दवाओं का बराबर बराबर मात्रा लेके मिश्रण बना लें और एक छिड़काव कर दें, ये काफ़ी प्रभावी होता है। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई इस दवाओं का प्रयोग करके इस बीमारी से अपने धान को बचा सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।